हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, चराहट की हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पीले वस्त्र में बांधकर मुख्य द्वार पर आप लटकाएं यह चीज लक्ष्मी माँ की आप पर अपार कृपा होगी। आइए जानते हैं धर्मशास्त्र अर्थात वह ग्रंथ जिसमें समाज के शासन के निमित्त नीति और सदाचार संबंधी नियम दिए गए हैं। इसमें मानव जीवन से संबंधित ऐसी कई बातें बताई गई हैं जो मनुष्य के जीवन में अधिक महत्व रखती हैं और उसकी जीवनी पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इनमें से कुछ बातें इतनी साधारण हैं कि हर व्यक्ति इन पर अमल कर सकता है और सुख समृद्धि पा सकता है। तो आइए आपको बताएं इन साधारण नियमों के बारे में, जिनको ध्यान में रखने से लक्ष्मी जी की आप पर अपार कृपा होती है। किसी भी देव पूजा में परिक्रमा एक विशेष अंग माना जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता कि किस देव की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। इसलिए ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की 4 बार, शंकर जी की आधी और सूर्य की 7 बार और गणेश जी की 3 बार परिक्रमा करनी अनिवार्य होती है। घर में भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर खाने से उसके समस्त दोष की त्रुटियां समाप्त हो जाती हैं। भोजन सदा पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके ग्रहण करना चाहिए। पश्चिम या दक्षिण की ओर मुख करके भोजन कभी नहीं करना चाहिए। इससे भोजन प्रदूषित होता है व रोग का कारण बनता है। घर का प्रवेश द्वार कभी बाहर की ओर नहीं खुलना चाहिए। ना ही घर के आगे कोई वृक्ष या खंबा, जनरेटर या ट्रांसफार्म होना चाहिए। मुख्य द्वार पर कभी काला पेंट नहीं करवाना चाहिए। गेट दक्षिण दिशा में हो तो मैरून रंग, उत्तर दिशा में हल्का हरा रंग, पूर्व में सफेद या मोतिया, पश्चिम में हल्का नीला रंग करवाना चाहिए। मुख्य द्वार के पास झाड़ू, डस्टबिन, डरावने फोटो भी नहीं होने चाहिए। घर के द्वार पर केसरी रंग का स्वास्तिक या गणेश जी की फोटो लगानी चाहिए। 7 से 9 घुंघरू लाल रंग की मौली में पिरोकर मुख्य द्वार के मध्य में और 7 गोमती चक्र पीले वस्त्र में बांधकर लटकाने चाहिए। इससे मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होकर आपके घर खूब भर देती हैं। प्रतिदिन घर का मुख्य द्वार सुबह सुबह खुद धोना चाहिए। इससे परिवार में लक्ष्मी वृद्धि और निरोगता रहती है। घर के सभी फर्श नमक मिले या फिटकरी मिले पानी से धोने चाहिए या पोछा लगाना चाहिए। सीढ़ी कभी भी दक्षिण पश्चिम की दिशा में नहीं होनी चाहिए। घर के सभी दरवाजे, खिड़कियां प्रातः सूर्योदय के समय खोल देने चाहिए। हवा में घूमे कॉस्मिक किरणों का घर में प्रवेश हो। तो दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।